डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल एकेडमी। और एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी के साथ आप लोगों के साथ हूं कि चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आज ही 17/10/2023 को रिक्रूटमेंट नोटिस एक जारी किया है पोस्ट ऑफ लेक्चरर यानी कि पीजीटी के लिए। ये चाहे वो हरियाणा के बच्चे हैं, चाहे पंजाब के हैं, चाहे ये स्टूडेंट्स हिमाचल के हैं, चाहे चंडीगढ़ के हैं, ये सारे स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हैं। जिन लोगों ने भी पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है प्लस उनकी बीएड हुई पड़ी है और जो पहले से ही टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और इस खुशखबरी का जो मैं आह्वान कर रहा हूँ आप लोगों को कि बंसल एकेडमी के साथ जुड़िए एंड जॉइन बंसल एकेडमी फॉर कंप्लीटिंग और क्लियरिंग द पेपर इन फर्स्ट अटैम्प्ट। सो आज की एडवर्टीजमेंट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे बंसल एकेडमी के बारे में। इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगी इसके लिए और जो भी मैं एक एक पॉइंट को आपके साथ डिस्कस करूँगा इसमें। तो ये एडवर्टीजमेंट है जो 3/2023 इसका रेफरेंस नंबर है और 17/10/2023 को ये हुई है शुरू। अब इसकी ओपनिंग डेट है और क्लोजिंग डेट है उसके बारे में बात करते हैं। तो ओपनिंग डेट इसकी है 25 अक्टूबर 11 बजे से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी और जो इसकी क्लोजिंग है वो 16/11 यानी कि 16 नवंबर को शाम 5 बजे तक। और जो इसकी फ़ी डिपॉजिट करने की डेट है वो है 2 PM अप टू 2 PM, वो है 20/11/2023 तक। अगर आपको कोई भी अधिक जानकारी चाहिए रिक्रूटमेंट के बारे में तो आप इनकी जो वेबसाइट है वो chandigarheducation.gov.in पे जाके जा सकते हैं। वहीं पे आपने एप्लीकेशन भी सबमिट करना है इनका। इन्होंने टोटल 98 पोस्ट निकाली हैं लेक्चरर्स के लिए और मैं जो बात करूँगा पर्टिकुलरली फोकस करूँगा मैं साइंसेस की तरफ। तो साइंसेस में बायोलॉजी की 5 पोस्ट हैं, 3 जनरल, 1 SC, 1 OBC और 1 जो फिजिकली हैंडीकैप्ड वार्ड्स होते हैं, 1 अदर पोस्ट है वो। और केमिस्ट्री के लिए 6 हैं, 3, 1, 1, 1 और ESM में 1। इसी तरह से मैथमेटिक्स में 4, 1, 1, 1 और 1। इसी तरह से फिजिक्स में 7 पोस्ट हैं, 3, 1, 2, 1 और 1, ये 7 पोस्ट निकली हैं। अब देखिए आप इनके रूल भी देख सकते हैं, जिसने नोट डाउन करना है ये नोट डाउन भी कर सकते हैं इस चीज़ को। अब रिजर्वेशन की बात अगर हम करें तो डिसेबिलिटीज वाली जो पोस्ट हैं वो मिनिस्ट्री के रूल्स के फेवर में ही फॉलो होगी, ठीक है। तो जो January 4, 2021 तक जो इन्होंने रूल्स बनाए थे उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिया जाएगा उन जॉब्स के लिए। और दूसरी बात, अगर कैंडिडेट्स इफ दे आर अपॉइंटेड अगेंस्ट PWD एंड ESM कोटा विल कंज्यूम द पोस्ट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कैटेगरी टू विच दे बिलोंग एज जनरल SC एंड OBC, वो उनके साथ ही क्या होगा, मर्च होगी उनकी। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मैं बात करूँगा पे स्केल की, तो पे स्केल में 9300 से लेके 34800 प्लस ग्रेड पे 4800 नोटिफाइड बाई चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो भी 29/3/2023 को इन्होंने डिसीजन लिया था, ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं कि एप्लीकेशन जो ऑनलाइन सबमिट होगी 25/10 से स्टार्ट होगी, 11 बजे से 16/11/2023 5 बजे तक आप रहेंगी और फीस इसकी ₹1000 रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए। SC कैटेगरी के लिए ये ₹510 जैसे बता रहे हैं, ये ₹510 रहेगी। और जो लास्ट डेट है फीस डिपॉजिट करने की वो 20/11/2023 2 बजे तक है। जो पर्सनल जो द पर्सन जो कि डिसेबिलिटी है जिनमें, वो एग्जम्प्टेड हैं फीस से बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आप इनकी वेबसाइट पे जाके वो सारा चेक कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट की जो सिलेक्शन है वो टोटल जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट मार्क्स में टाइप टेस्ट से जो मार्क्स ऑब्टेन होंगे उनके बेसिस पे बनेगी। सो एक 1 ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट 150 मार्क्स विल बी कंडक्टेड, जिसमें 40% मार्क्स तो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा, मतलब मेरिट बेस्ड है सारा एग्ज़ाम है जो, ठीक है। सो जितने भी नोटिसेस या कोई भी अपडेट्स इनके बारे में आएंगी वो आपको सबको जब भी चेक करनी है तो करनी है www.chteducation.gov.in पे जाके, ठीक है। हमेशा आप रेगुलर इस पर विजिट करते रहिए ताकि कोई चेंज ना आए कुछ भी, एनीथिंग आप इस पर जाके चेक करेंगे। और नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ये आपको पता बता दिया मैंने, टोटल 98 हैं। तो साइंसेस की मैंने आपको अलग से बता दी हैं। अब रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, फिर दोबारा वही पेज पे हम वापस आए हैं और इसमें आप लोग देख रहे हैं पोस्ट के बारे में। आपको पोस्ट का मैंने बता दिया है, एक बार फिर कर रहा हूँ कि बायोलॉजी की 5 पोस्ट हैं, केमिस्ट्री की 6
और मैथमेटिक्स की 4 हैं और फिजिक्स की 7 पोस्ट हैं। बंसल एकेडमी, इनके लिए हिमाचल में भी पोस्ट निकली है, उसकी भी तैयारी हमने बैच कल से ही स्टार्ट किया है। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं बंसल एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं और वो कोचिंग ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने आपको सारा कुछ बता दिया इसके बारे में। कोई भी इसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में अगर बात करूँगा तो स्कूल कैडर के लिए तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, एक तो पहली बात है, 50% मार्क्स होने चाहिए, बैचलर्स में 45% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, 2 साल का इंटीग्रेटेड MSc या BEd के साथ कोर्स होना चाहिए या फिर MA, ये बेसिकली एकेडमिक स्ट्रीम के लिए है, ठीक है। और फिजिकल एजुकेशन के साथ आप देख सकते हैं इन्होंने काफ़ी कुछ दिया है। और मोड ऑफ सिलेक्शन की बात पे मैं आऊँगा अभी के फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर 150 मार्क्स का मैंने आपको बताया है, पेपर होगा पार्ट ए और पार्ट बी, एक ही टेस्ट होगा और 40% इसकी एलिजिबिलिटी होगी, ठीक है। तो पार्ट ए में इसके जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग रहेगी, 12 क्वेश्चन आएंगे। दूसरे में ICT टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पैडागॉजी 12 क्वेश्चन इसके आएंगे, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 12 क्वेश्चन और टेस्ट ऑफ इंग्लिश हिंदी पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश के 5, हिंदी के 5 और पंजाबी के 4, ये 14 क्वेश्चन टोटल ये आएंगे। और पार्ट बी है जो दैट विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो कहने का भाव ये है कि 150 मार्क्स में से आपको 50 मार्क्स हैं जो पार्ट ए में आएंगे, वो जनरल अवेयर, GK अवेयरनेस, GK आ गया, रीजनिंग आ गया, क्वांट आ गया, पैडागॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश हिंदी पंजाबी ये वाले कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेजेस और कॉम्प्रिहेंशन के आएंगे और पार्ट बी स्पेसिफिक आएंगे उसके आपको। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पार्ट विल बी 40%, ईच पार्ट, पार्ट ए में 40% है और पार्ट बी में भी आपको 40% लेने पड़ेंगे तो होगा, ठीक है जी। नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल होगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है इसमें। और जो पार्ट बी में क्वेश्चन आएंगे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, डिफिकल्टी स्टैंडर्ड उनका काफ़ी अच्छा है, गेट लेवल रहने वाला है, तो आपने सिलेबस को वैसे ही उसी हिसाब से तैयार करना है अपना। और एग्जामिनेशन क्वेश्चन की बात करूँ तो बायलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन पार्ट बी जो पोस्ट ऑफ लेक्चर इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है दैट विल बी इंग्लिश ओनली, मतलब पार्ट ए बायलिंगुअल पार्ट बी इंग्लिश में मिलेगा। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर की बात रही तो भाई ऐसा है, तैयारी करिए, पहले फॉर्म अपना ऑनलाइन सबमिट करिए, रिटन एग्ज़ाम दीजिए, उसमें 40% पहले में लीजिए, दूसरे में 40% लेने हैं, फिर उसके बाद आपकी जो मेरिट और रैंक आएगा उसमें इंटरव्यू है नहीं है, तो मेरिट बेस पे सिलेक्शन है। तो इसलिए आप लोग आज से जोर लगाना शुरू कर दें, ठीक है जी। और इसके अलावा एज लिमिट की बात की जाए तो 21 से 37 सालों तक एज है, 1/1/2023 तक 37 साल होनी चाहिए। रिलैक्सेशन मिली है SC को, OBC को, ESM, PWBD को, और जो के मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हुई है, ठीक है जी, इनको रिलैक्सेशन मिली है। रिलैक्सेशन अब यहाँ पे इन्होंने इतना मेंशन नहीं किया है, लेकिन आगे देखते हैं अगर इन्होंने कुछ बोला है तो। कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स, गेस्ट टीचर्स, समग्र शिक्षा टीचर्स वर्किंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन, मतलब जो भी चंडीगढ़ के स्कूल्स में कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, गेस्ट पे हैं, समग्र शिक्षा टीचर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट स्कूल ऑफ चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं अंडर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी एज में भी रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो एज रिलैक्सेशन जो है ये आप लोगों को मिल जाएगी। अब आपने इसके साथ सर्टिफिकेट अपना जरूर लगाना है भाई, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बताना है, और वो क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर से पहले ही अटेस्ट करा के रखना है, और उससे पहले तैयारी अच्छी होनी चाहिए। सो प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको पहले बता दिया, 25 से स्टार्ट हो रहे हैं 11 बजे से और 16 को लास्ट हो रहे हैं, और फीस है जो 20 नवंबर तक है, 1000 जनरल कैटेगरी के लिए, 500 SC कैटेगरी के लिए है, तो ये 2 बजे तक रहेगी। और चंडीगढ़ की वेबसाइट हमेशा याद रखें, रेगुलर विजिट करें अभी से मेरा ये वीडियो देखने के बाद, chdeducation.gov.in। और पेमेंट भी ऑनलाइन मोड में ही आपको सबमिट करनी है, तो मैं बाकी पॉइंट्स आप लोग दे सकते हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में भी कैरीड आउट एट द एग्जामिनेशन सेंटर, तो आधार कार्ड के बेसिस पे होगा वो सारा, आप ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड अपना साथ रखिए। किसी का आधार कार्ड अगर अपडेटेड नहीं है तो अपडेशन ज़रूर करवाइए उसकी, और उसके अकॉर्डिंगली सारा कुछ करिएगा। और सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेक करते हुए फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब शेड्यूल फॉर डिस्प्ले ऑफ लिस्ट एंड कंडक्ट ऑफ रिटर्न टेस्ट कब है? देखिए ऑनलाइन फाइलिंग का आपको 25/11 बता दिया, लास्ट डेट 16/11 है, लास्ट डेट फीस की 20/11 है, और डिस्प्ले ऑफ फी कन्फर्मेशन लिस्ट है जो 30/11 को आएगी, वेबसाइट के ऊपर आप चेक करते रहिए। और मैं इसके साथ ही कहूँगा कि जितने भी हमारे
मित्र हैं जो इस एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं वो सब लोग अपना काम बड़े डिसिप्लिन के साथ करें, एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपना सारा काम करिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई जो हमने बता दिया है फिलहाल उतना ही आपने करना है। तो स्क्रूटनी की बातें कर रहे हैं और लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो सारा, मतलब जो आपने एग्ज़ाम दिए होंगे तो एग्ज़ाम देने के बाद का जो प्रोसीजर होता है कि जिस जिस तरह से वैकेंसीज एडवर्टाइज हुई हैं उसकी वेबसाइट पे लिस्ट बनेगी, कौन कौन से इन लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है। फिर उनके बाद उनकी सिलेक्शन का क्रिटेरिया, कन्फर्मेशन फीस की आएगी और उनका एलिजिबिलिटी स्टेटस अपलोड किया जाएगा सारा, है ना। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे कहाँ पे शेड्यूल करें, कहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। फॉर स्क्रूटनी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एडमिट कार्ड कहाँ से आपको इशू होगा, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, कहाँ पे अगर किसी ने कुछ भी गलत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है तो कैंडिडेचर भी कैंसल्ड कर सकते हैं विदाउट एनी नोटिस। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, हर चीज़ प्रॉपर आप लोगों ने करनी है। और जितने भी लोग रिजर्व कैटेगरी को क्लेम कर रहे हैं उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं वो डीसी, एडिशनल डीसी और एसडीएम डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर चीफ मेडिकल ऑफिसर, इनसे ही अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कराएं। एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ के पास ये अथॉरिटी है कि वो आपके कैंडिडेचर को कैंसिल कर सकते हैं इसीलिए, और मॉडिफाई भी कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट को जो अभी इन्होंने दिए हैं। वैकेंसीज भी प्रोविजनल है, सब्जेक्ट टू चेंज, चेंज आ सकता है इसमें। सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट है जो ये भी इसी साइट वेबसाइट के ऊपर आएगा, तो वेट करें उसके लिए। और एजुकेशन डिपार्टमेंट का धन्यवाद करें सबसे पहले हाथ जोड़ के कि इन्होंने जॉब्स को निकाला है और ये बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। सो मैं कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, बंसल एकेडमी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के लिए नंबर वन नॉर्थ इंडिया में है और आप हमारे डेमोज देख सकते हैं, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बैचेस को। कल से ही स्टार्ट हुए हैं, फी नॉमिनल है और यू विल डू वंडर्स व्हेन यू ज्वाइन। सो ये नोटिफिकेशन आपके लिए था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।